अपना माहौल सही कर, उसके लिए मुस्कुराहट को बहुत लगवा, बहुत फायदा होता है इससे। अपने बच्चों को, जवान बच्चों को, जवान एक जवान लड़की को साथ ले जाने की इजाजत होती है, अभी से जवानी में है उसको अभी से सफर करें, अपने साथ लेकर चले। लिबास में सादगी आ, लिबास जीनत जो है ना, जीनत वो शोहर के लिए होती है, औरत जीनत किसके लिए करेगी? कोरोने भाई लड़की अपनी कुमारी लड़की अपने घर में किसके लिए जीनत करती है? कुमारी लड़की है हमारी, वो अपने घर में जीनत, एक तो उसका नॉर्मली लिबास तो उसको पहनना ही पहनना है, तो उसके हया, लेकिन वो जीनत कर रही है अपने घर में। श्रृंगार जिसको गुजराती में कहते हैं, वो किसके लिए? उसको बेचारे को पता ही नहीं, और ना हमने उसको सिखाया नहीं, इसमें हया नहीं करनी चाहिए, साफ बात करनी चाहिए बच्ची से, बीवी से साफ बात करनी चाहिए कि हमारी बीवी बन सवर कर किसी के घर जा रही है और हम खुश हो रहे हो जा रही है, हम उसको समझाएंगे मोहब्बत के साथ कि तेरी जीनत तो मेरे लिए होनी चाहिए, वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन, अच्छी जीनत कर, जब घर में रहे तो घर में जीनत करेगी, शोहर के लिए करेगी, जवान बच्ची है बीवी उसको जीनत करवा के ले जा रही, हम उसको दीन बताएंगे कि हमारा दीन ये, कहीं और जा रही है जरूरत के तौर पर तो ऐसे सादे कपड़े पहन कर जाएगी और पूरा हिजाब पुरखा पहन कर जाए, किसी गैर महरम की नजर न पड़े। हमारे जिम्मे है कि हमारी बच्चियों की हिफाजत करें। एक जमाना था लोग घर में कुंवारी बच्ची होती थी बहुत फिक्रमंद रहते थे, बहुत फिक्रमंद रहते थे, घर के दरवाजे पर उसको देख गया कभी बाप तो उसको फिक्र हो जाती कि मेरी बच्ची दरवाजे पर आ गई, मेरी बच्ची दरवाजे पर आ गई। और अभी क्या जमाना हो गया कि बच्ची बाजार में अकेली फिर रही, बाप घर में बैठा है और बच्ची साइकिल लेकर बाइक लेकर सब्जी लेने जाती, और बे बाप खुश रहा कि मार तो छोकरी बदल गया, खुश होने की जरूरत नहीं, वो अपने घर की जीनत है, उसकी जगह घर है, वो घर से बाहर गई है। हदीस में आता है जब औरत अपने घर से चलती है शैतान उसके साथ हो जाता है, शैतान उसके साथ हो जाता है। बहुत फिक्र की जरूरत है कि अपने घर के माहौल, और इससे बहुत एहतियात करें, बगैर जरूरत के अपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन लाने की क्या जरूरत है? दुकान पर जरूरत है दुकान पर रख लें, वाईफाई रखने की क्या जरूरत है? हमें जरूरत है 200 रुपए का महीने में ज्यादा खर्चा हो जाता है इंटरनेट में, अपनी जरूरत का कर लेना चाहिए, 200 रुपए के फायदे के खातिर पूरे घर को जहन्नम की पट्टी नहीं बनाना चाहिए। क्या जरूरत है घर में इंटरनेट का कनेक्शन करने और वाईफाई घर में लगाने? ये सारे असबाब हैं जो फिर बाद में जाकर खून के आंसू बुलाते हैं आदमी, यही वो असबाब है जिससे फिर आदमी को खून के आंसू होना पड़ता है। जब इसके आदि हो गए घर वाले, अब वो निकाल नहीं सकता उसको, इसलिए कोशिश करें इनका दीनी जहन बनावे। जितने तेजी के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है उतनी तेजी के साथ गुनाहों के असबाब मुहैया हो रहे हैं। हमारे जिम्मे का अपनी औरतों को दीन की दावत और मेहनत में लगा, उनको दाई बनावे, घर की तालीम के रास्ते से मोहल्ले की हफ्तावारी तालीम में उनको पहुंचावे, फिक्र के साथ हफ्तावारी तालीम के हल्कों को जमावे। जिस दिन तालीम है उस दिन मस्जिदवार जमात तालीमी गश्त करे, पूरे मोहल्ले के घर जाए, चार जमातें बनी हुई है, चारों जमातें अपने अपने मोहल्लों में जाकर एक एक घर जाकर उनके मर्दों को फिक्रमंद करें, भाई साहब दीन की निस्बत पर हमारे मोहल्ले में मस्तूरात की तालीम का हल्का फला मकान पर है, आप अपने घर की माँ बहनों को भेजो, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। घर घर जाकर दावत दे, हमने देखा हमारे यहाँ की मस्जिदों में जो मस्जिद वाले तालीमी गश्त करते हैं हफ्ता वाली तालीम के दिन, उनके वहां तालीम का मजमा बड़ा हुआ होता है, और जहां नहीं होता वहां वही रस्मी हल्का है, 15 बहने 20 बहने आ रही थी, 10 साल पहले भी वही थी 10 साल के बाद भी वही थी। मस्जिदवार जमात जो है फिक्रमंद रहे मस्तूरात के काम के बारे में, सिर्फ हफ्ते में एक दिन तालीम करके फारिग न हो जाए, रोजाना की मुलाकातों में भी जमकर घर की तालीम के बारे में बात करें, और उन घर वालों से फिर वक्तन फोक्तन मालूम करते रहें कि तालीम शुरू हुई नहीं हुई। अपनी औरतों को भी पाबंद करें, तालीम करने वाली औरतों को भी कहें कि वो भी दाई बने, उन औरतों को जो तालीम में आती है उनको दावत दें तो घरों में तालीम शुरू करें, और वो उन बहनों को इसकी दावत देकर भेजें कि आइंदा हफ्ता को एक एक नई बहन को तैयार करके तालीम में लेकर आओ। एक तरफ औरतें दावत दें अंदर आपस में एक दूसरों को, और एक तरफ मर्द मस्जिद की जमातें चल फिर कर मेहनत करेंगे तो मस्तूरात का काम तरक्की करेगा। साल भर में 2-5 चिल्ले की 10-12 जमातें अशरे की निकाल देने का नाम मस्तूरात का काम नहीं है, ये तो एक इब्तिदा है, ये भी रोजाना का काम है।
रोजाना की मेहनत है मस्तूरात। हम उन मोहल्लों से रोजाना गुजर रहे हैं, वो औरतें 10 साल पहले भी दरवाजे पर बैठी थी जहां मुलाकातों में जाते थे, आज 10 साल के बाद उनकी बच्चियां दरवाजे पर आ गई। हमारी मेहनत कहां है? हमारी तो मेहनत थी कि जो बूढ़ी बाहर थी वो भी घर में चली जाए और घरों में 100% अमान जिंदा हो जाए। लेकिन हम खुद ही सोचें, आप खुद इसका मुहासबा करें कि अपनी मस्जिदवार जमात में मस्तूरात के काम से मुतालिक पॉइंट हफ्ते में कितनी मरतबा आते हैं, हम सोचते कितनी मरतबा है, जिस चीज को सोचा ही नहीं जा रहा है उस चीज पर मेहनत कितनी। वो तो जिले वालों ने तकादा दिया कोई चिल्ले की जमात बनानी आशरे की, तो हम 2-3 दिन मेहनत में लगे, जमात बनकर रवाना हो गए, रवानगी कर दी, वापस आ गए, वापसी कर ली, काम पूरा हो गया। यहाँ हमारा काम पूरा नहीं होता, मस्तूरात का मकामी काम है हर घर में फजाइल की तालीम जिंदा हो और हर मोहल्ले में मस्तूरात का इज्तिमाई तालीम का हफ्तावारी हलका कायम हो और मोहल्ले की 100% बहनें उस हलके में जाकर वहां से तरगीब लेकर मोहल्ले के 100% घरों में फजाइल की तालीम शुरू हो, 100% घरों में नमाज, जिक्र, तिलावत, इबादत और हया का माहौल बने और औरतें खुद अपने बच्चों की दीनी तरबियत और दीनी मिजाज बनाने के बारे में फिक्रमंद हो, इसकी कोशिश करना ये हमारे जिम्मे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि सब तय करो इंशाल्लाह कि इन सारे कामों को खुद अपनी दाद से पाबंदी से करेंगे, करोगे इंशाल्लाह और पर करेंगे, अल्लाह सबके लिए आसान करो। अच्छा, इसमें से अभी बताएं कि किसके किसके घर में इसके लिए जरूरी है, हम इसको मामूली ना लें, रस्मी ना लें। और घर में भी यही तरीका का हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ एक खूबसूरत फिजा बना रहे हैं, जहां दीन या ईमान, दीन यकीन की बात हो, वहां माहौल फिजा में ऐसा खूबसूरती अचानक गायब हो जाती है। उमूमन ये होता है कि घर में अच्छा खासा निजाम चलता है, सारे कामकाज चलते हैं, लेकिन जहां दीन की बात आई तो वहां अचानक खूबसूरती गायब हो जाती है। आज लोग खुद गुस्से हो जाता है या लहजा ऐसा इख्तियार करता है कि सबको बुरा लगता है और आदमी कहता है कि वो हक बात को चारों पर फोटो ला दे, भगवान को तो छोकरा खोट लाए। अमूमन हमारे बहुत से साथी हैं जो अपनी औलाद, अपने पोतों, अपने नवासों के बारे में शिकायत करते हैं, कहते हैं कहते हैं तो उनको बुरा लगता है, क्या वजह है इसकी, क्या वजह है? एक तो हमने बचपन से उनको दीन की बातों का सुनने का आदी नहीं बनाया, उसके रास्ता था घर की तालीम, कि घर की तालीम के रास्ते से घर में फिजा बनाई जाए कि अभी से बच्चों के दिल में बात आ गए अल्लाह रसूल की बात, ईमान यकीन की बात आ गई, आखिरत की बात आ गई, क्या खूबसूरत माहौल है। अरबी के रास्ते से हंसते हंसाते हुए मदरसे में भी देखते हैं, जो उस्ताद हंसते हंसाते पढ़ाते हैं बच्चे रब्बत के साथ उनको पढ़ने जाते हैं, शौक से जाते हैं, मोहल्ले में से गुजरते सारे बच्चों जमा हो जाते, हमारा मौसम आ जाए सारे बच्चे जमा हो जाते, और जो जरा सख्ती से पढ़ाते हैं तो जल्दी से बच्चे करीब नहीं जाते, जल्दी से करीब, यही हाल बाप का होता है। हाँ जरूर, कि इतना भी नरम नहीं जाना है कि बच्चे उसको मोड़ के बंडल बना के साइड में रख दे, ऐसा भी नहीं करना, लेकिन शफ़क़त और मोहब्बत के साथ उनको अपने साथ खाने लेकर बैठे, अब उनको बता बेटा बिस्मिल्लाह बोल के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सुजूद के खादिम थे, बच्चे की तरह आपके साथ रहते थे, साथ में लेकर खाना खिला रहे हो, अगर खाते वो इधर उधर से रुकमा ले रहे, हुज़ूर ने कहा कि अपने आगे सिखाओ, क्या बोला नगा का अपने आगे सिखाओ, सब मिल जाओ अल्लाह का नाम दसने हज से खाओ और अपने आगे सिखाओ। वही अल्तनस कहते हैं 9 साल, 9 साल रहे, 10 साल रहा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, लेकिन मुझे पूरे 10 साल के दरमियान हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी काम में क्यों ऐसा नहीं किया 10 साल में, हालांकि छोटे बच्चे। और कहने की एक मरतबा ऐसा हुआ कि हुजूर ने मुझे कोई काम से भेजा तो मैं गया, तो रास्ते में लड़के खेल रहे हैं तो मैं वहाँ खड़ा हो गया, अब वो काफ़ी देर हो गई वो काम हुआ नहीं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे तलाश करते 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 वहाँ पहुँच गए जहाँ मैं था, अब मैं मिल गया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम पीछे से आए और पीछे से मेरे कानों पर इस तरह हाथ रख दिया, वो पूछे थे खेलते मैं कौन बताऊँ ऐसा करके कौन है, और उन बोले मैं पहचान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मुझे मानूस कर लिया कि देर हो गई है इसकी वजह से, मुझे ना डांटा और मैं कुछ कहा बल्कि मुझे मानूस कर लिया और जिंदगी में कभी क्यों नहीं कहा, ये उसलूब तरबियत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज़रूरत है इस वक्त इस माहौल में
दीनदार बली बाप का बेटा है बली, लेकिन 4G का दौर है, 4G में है, 4G में अपने घर में बैठा है मोबाइल लेकर, उसके बाप हो उसका बाप उसमें पढ़ रहा है, वो कुरान पढ़ रहा है, वो दीन की बात कर रहा है, लेकिन ये अपने कमरे में बैठकर अमेरिका में यूरोप में ये पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में ये कहाँ है किसी को पता नहीं, और उसका जहनी इर्तिका हो रहा है, उसका जहन किसी ऊपर जा रहा है, और बहुत बड़ा तबका भी जहनी इर्तिदाद का शिकार हो चुका है, जो इर्तिदाद का पहला पगथिया पहली सीढ़ी जहनी इर्तिदाद, ये जहनी अतबार से इस्लाम और इस्लामी चीजें अच्छी न लगे, मैं मुसलमान नमाज भी पढ़ रही है कलमा भी पढ़ रहा है लेकिन इस्लामियात अच्छी नहीं लग रही है अंदर से, वो उससे पहले ये था कमारा जो सारी तबीयत में लगता था, जो आदमी बड़ा से बड़ा दुनियादार भी उसकी कोशिश ये होती थी कि अपने बच्चे को मौलवी बना, हालांकि उसको पता था कि मौलवी बनेगा तो 500 रुपये की तनख्वाह, उस वक्त तो 500-400 चलते थे, तो 8-10 हज़ार का हो गए, 6,000-8,000-10,000 हो गए, उस वक्त वो तनख्वाह थी, उसको पता था कि मेरा बच्चा मौलवी बनेगा तो 400 की तनख्वाह, लोग कहते भी थे, उसके खानदान वाले सब उसकी मुखालफत करते थे उस वक्त, लेकिन फिर जो मदरसे में भेजता था कि मैं मेरे बच्चे को आलिम बनाऊंगा, होता और अभी अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी होता है, 10 तरबियत देने वाले होते हैं, डॉक्टर साहब इसको तुम मौलवी बनाओ बहुत अच्छा है, इन्हें छोड़ो आप छू एजुकेशन भी जरूरी है, छोड़ो बार बार सुधी बड़े बच्चे अगर जो है विचार इशू क्यों का पूछा, ऐसा करके आदमी हीरे बहाने कर लेता है, अंदर से नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आलिम दीन बने, मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने, ये ज़हनी इर्तिदाद का एक रूप है, अंदर से चाहत नहीं, और मजीद अगर कोई इसरार करे इसको तो कहता है कि भाई साहब मौलवी बनाई शुरू कर दो मतलब बड़ा मौलवी है कितना पगार पर चाहे, सीधा सीधा कह देता है जो अंदर की बात है, तो मौलवी का नौकरी करने के लिए बनना था, वो तो दीन की खिदमत के लिए इल्म हासिल कर रहा, दीन की खिदमत के लिए इल्म था कि अल्लाह के दीन का खादिम बने, हुजूर वाला मुबारक इल्म लेकर ये दुनिया के लोगों को इल्म की रोशनी पहुंचा, ये जहालत की इस जाहिलियत के दौर में जो जाहिलियत और कर वापस आ रही है, तो मुख्तलिफ जिन रास्तों से जाहिलियत लौट लौट के वापस आ रही है, ये मेरा बेटा आलिम दीन बनकर पूरी दुनिया की जाहिलियत को खत्म करने के उन्हीं रास्तों से मेहनत, जहां से जाहिलियत आ रही एक दहनी इर्तिदाद है, इस्लामी मुआशरत पसंद नहीं है, हाँ नए तर्ज में डाइनिंग टेबल आ रहे हैं घरों में, डाइनिंग टेबल आ रहे हैं, हालांकि हमारे पर उसका अमूमी रिवाज नहीं है जो लोगों का उर्फ बना हो, हमारे ये चीज नहीं है, अभी तक हमारी अक्सरियत नीचे खा रही है, लेकिन बंगला बना दिया तो डाइनिंग टेबल आपने लगा दिया, और कहते कोई मेहमान मेहमान ये वाई कर नमा के छा, ये तो धोखा है अंदर का, वो फिर वहां से उसी टेबल से आगे की सारी चीज आएगी, बात इस तहजीब पर वो तहजीब के मौजिद थूक चुके हैं, जिन्होंने इसको ईजाद किया वो सब इस पर थूक चुके हैं, और अब जॉब दर जॉब हुजूर के मुबारक तरीके की तरफ आ रहे हैं, जो उन्होंने थूका है क्या उसको चाटेंगे, जरूरत है घर की तालीम को मजबूत करें, बच्चों की तरबियत की तरफ हम तवज्जो दें, गफलत न बरतें, खाली उनके जेब खर्ची के पैसे देना और उनके खाने पीने का इंतजाम करना इतना फरीजा नहीं है, फरीजे के तौर पर हमारे जिम्मे है कि हम अपनी औलाद की दीनी ईमानी अमाली रूहानी अखलाकी तरबियत करें, ये हमारे जिम्मे, मदरसे के उस्तादों के जिम्मे तरबियत नहीं, हमारे जिम्मे, वो तो बदल है, एक जमाने का जमाने के एक्सीडेंट हो, एक एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट तो फर्स्ट एड होती है वहां पर, कि कोई भी एम्बुलेंस ले जाकर उसको थोड़ी बहुत पट्टापट्टी करके उसको ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचाता है, ऐसे फर्स्ट एड की तरह है कि भाई सारे लोगों में इतनी जहालत है तो थोड़ी इलम की रहमत और शौक पैदा होने के लिए लोग इब्तदाई से बचपन में बच्चों को कुरान और हदीस की थोड़ी तालीम मिल जावे, बकिया तालीम की तकमील की जो असल जिम्मेदारी है वो माँ बाप की जिम्मे, अपने बच्चों को वक्त रोजा जरा उनकी उम्र हो गए अपने साथ उनको जमात में लेकर जाओ, 16-17 साल का हो गया बच्चा, 15 साल का हो गया 3-3 दिन में अपने साथ ले चलो उसका एक बहन बना, करीबी हफ्तावारी स्ट्रीमों में अपने पंचकोशों में उनको अपने साथ ले चले, थोड़ी उम्र उनकी हो रही 14-15 साल का हो गया, अब उनको धीरे धीरे आदि बनावे, मस्जिद में लाकर मस्जिद के आदाब सिखावे, नमाज दिगर तिलावत इबादत की मशक करावे, ये हमारे जिम्मे, और यही अपनी औरतों पर मेहनत, उनके उनके मिजाज में सादगी आवे, उनके मिजाज में हया आवे, और उनके मिजाज में पाकी और तहारत आवे, ये बुनियादी चीज है।
अगर उनके मिजाज में सादगी नहीं है, हम हजार कोशिश कर लेंगे, तबीयत में सादगी नहीं है तो ना खाना सादा होगा, ना कपड़ा सादा होगा, ना मकान सादा होगा, ना घर का टॉयलेट सादा होगा, तो सारी चीजों को वही बात करेंगे। हम लोग एक घर पर एक बर्तन बात कभी साफ हो गया, उसके घर के जो लैट्रिन बाथरूम के दरवाजे होते ना साकी लकड़े के अच्छे दरवाजे, वो निकाल कर रखे हुए थे वहाँ, तो कुछ बात हुई तो उस पर से उस आदमी ने कहा कि ये साकी दरवाजे अच्छे हैं, बिल्कुल फ्रेश, वो निकाल कर मुझे ये वो उसके आते एल्यूमिनियम के वो लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा इतने अच्छे क्यों निकाल के तुमने लगाए, तो उनको मुझको एहसास है कि भाई अच्छे हैं वो कमज़ोर है, बोले 10 साल से हम बदबी, दूसरे 50 साल निकाले ऐसे हैं और उसकी वारंटी 5 साल की भी जो लगाए, तो मैंने कहा फिर क्यों तुमने लगाए, वो कहने लगा कि असल में पड़ोस में नया घर बना तो वहाँ एल्यूमिनियम के दरवाजे लगे बाथरूम के लगे, मेरी बीवी ने जाकर वहाँ देखे तो मेरा सर खा गया और मुझे ये निकाल कर वो लगाने पड़े। यानी सांकी लकड़े के मजबूत दरवाजे निकालकर उस आदमी की क्या गत बनी होगी कि खुद अपनी अकल और दिमाग के खिलाफ काम उसको करना पड़ा और नुकसान वाला काम करना पड़ा। औरतों के मिजाज बनाने के यही रास्ते ही रास्ता है तालीम के हल्कों में, और उनको ऐसी मजलिसों से बचा एक जान को खतरा है कि बाजे वो खानदान और रिश्तेदारों के वो घराने जिन घरानों के शादी और उनके घर के प्रोग्राम बड़े फैशनेबल होते हैं वहाँ से हम परहेज कर रखे हुए हैं। अगले दिन भेजने एक दो दिन पहले भेजने पर तुमको जो हदिया देना है तुम चले जाओ, अगले दिन जाकर उनको हदिया देना, क्योंकि हमको पता है वहाँ जाएंगे तो वहाँ किस्म किस्म की वेराइटियाँ होंगी और हमारे बच्चे बच्चियाँ 10 घंटे 12 घंटे उस माहौल में गुजारेंगे, वहाँ का एक बुरा असर लेकर घर पर आएंगे। हमको पता है मोहब्बत से रोके क्यों, उनको कहेंगे तुम जरूर जाओ, हदिया दो उनको, करीब करो उनसे करीब करो, लेकिन ये रास्ता ना हो कि हम डैमेज हो जाए उनको सही कर, अपना माहौल सही कर, उसके लिए मुस्कुराहट में वक्त लगवाओ, बहुत फायदा होगा इससे। अपनी बच्चियों को जवान बच्चों को जमात से एक जवान लड़की को साथ ले जाने की इजाज़त होती है, अभी से जवानी में है उसको अभी से बढ़कर है अपने साथ लेकर चले। लिबास में सादगी आ रही है, लिबास जीनत जो है ना जीनत वो शोहर के लिए होती है, औरत जीनत किसके लिए करेगी, लड़की अपनी कुमारी लड़की अपने घर में किसके लिए जीनत करती है, कुमारी लड़की है हमारी वो अपने घर में सीन, एक तो उसका नॉर्मली लिबास तो उसको पहनना ही पहनना है तो उसकी हया, लेकिन वो जीनत कर रही है अपने घर में, श्रृंगार जिसको गुजराती में कहते हैं वो किसके लिए, उसको बेचारे को पता ही नहीं और ना हमने उसको सिखाया नहीं, इसमें हया नहीं करनी चाहिए, साफ बात करनी चाहिए बच्चे से, बीवी से साफ बात करनी चाहिए कि हमारी बीवी बन सवार कर किसी के घर जा रही है और हम खुश हो रहे हो जा रही है, हम उसको समझाएंगे मोहब्बत के साथ कि तेरी जीनत को मेरे लिए होनी चाहिए, वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन अच्छी जीनत कर, जब घर में रहे तो घर में जीनत करेगी, शोहर के लिए करेगी, जवान बच्ची है बीवी उसको जीनत करवा के ले जा रही है, हम उसको दीन बताएंगे कि हमारा दीन ये, कहीं और जा रही है जरूरत के तौर पर तो ऐसे सादे कपड़े पहन कर जाए और पूरा हिजाब बुरखा पहन कर जाए, किसी गैर महरम की नजर न पड़े, हमारे जिम्मे है कि हमारी बच्चियों की हम हिफाजत करें। एक जमाना था लोग घर में कुंवारी बच्ची होती थी बहुत फिक्रमंद रहते, बहुत फिक्रमंद रहते, घर के दरवाजे पर उसको देख गया कभी बाप तो उसको फिक्र हो जाती कि मेरी बच्ची दरवाजे पर आ, मेरी बच्ची दरवाजे पर आ, और अभी क्या जमाना हो गया कि बच्ची बाजार में अकेली फिर रही, बाप घर में बैठा है और बच्ची साइकिल लेकर बाइक लेकर सब्जी लेने जा रही और वे बाप खुश रहा कि मां तो छोकरी बदल लिया, खुश होने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर की जीनत है उसकी जगह घर है, वो घर से बाहर गई है, हदीस में आता है कि औरत अपने घर से चलती है शैतान उसके साथ हो जाता है, शैतान उसके साथ हो जाता है, बहुत फिक्र की जरूरत है कि अपने घर के माहौल और इससे बहुत एहतियात करें, बगैर जरूरत के अपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन लाने की क्या जरूरत है, दुकान पर जरूरत है दुकान पर रखनी, वाईफाई रखने की क्या जरूरत है, घर हमें जरूरत है 200 रुपए का महीने में ज्यादा खर्चा हो जाता है इंटरनेट में, अपनी जरूरत का कर लेना चाहिए, 200 रुपए के फायदे के खातिर पूरे घर को जहन्नम की पट्टी नहीं बनाना चाहिए, क्या जरूरत है घर में इंटरनेट का कनेक्शन करने और वाईफाई घर में लगाने, ये सारे असबाब हैं जो अपने बाद में जाकर खून के आंसू रुलाते हैं, यही वो असबाब है जिससे फिर आदमी को खून के आंसू रोना पड़ता है,
जब इसके आदि हो गए घर वाले, अब वो निकाल नहीं सकता उसको। इसलिए कोशिश करें इनका दीनी जहन बनावे। जितने तेजी के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है, उतनी तेजी के साथ गुनाहों के असबाब मुहैया हो रहे हैं। हमारे जिम्मे को अपनी औरतों को दीन की दावत और मेहनत में लगा, उनको दाई बना के घर की तालीम के रास्ते से मोहल्ले की हफ्ता वाली तालीम में उनको पहुंचाओ, फिकर के साथ हफ्ता वाली तालीम के हल्कों को जमा में। जिस दिन तालीम है उस दिन मस्जिदवार जमात तालीमी गश्त करे, पूरे मोहल्ले के एक घर जावे। चार जमातें बनी हुई है, चारों जमातें अपने अपने मोहल्लों में जाकर एक एक घर जाकर उनके मर्दों को फिक्रमंद करें, भाई साहब दीन की निस्बत पर हमारे मोहल्ले में मस्तूरात की तालीम का हल्का फला मकान पर है। आप अपने घर की माँ बहनों को भेजो, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। घर घर जाकर दावत दे। हमने देखा हमारे यहाँ की मस्जिदों में जो मस्जिद वाले तालीमी गश करते हफ्ता वाली तालीम के दिन, उनके वहां तालीम का मजमा पड़ा हुआ होता है, और जहां नहीं होता वहां वही रस्मी हल्का है। 15 बहने 20 बहने आ रही, 10 साल पहले भी वही थी, 10 साल के बाद भी वही। मस्जिदवार जमात जो है फिक्रमंद रहे मस्तूरात के काम के बारे में, सिर्फ हफ्ते में एक दिन तालीम करके फारिग ना हो जावे। रोजाना की मुलाकातों में भी जम कर घर की तालीम के बारे में बात करें, और उन घर वालों से फिर वक्तन फवक्तन मालूम करते रहें कि तालीम शुरू हुई नहीं हुई। अपनी औरतों को भी पावन करें, तालीम करने वाली औरतों को भी कहें कि वो भी दाई बने। उन औरतों को जो तालीम में आती है उनको दावत दें जो घरों में तालीम शुरू करें, और वो उन बहनों को इसकी दावत देकर भेजें कि आइंदा हफ्ता तुम एक एक नई बहन को तैयार करके तालीम में लेकर आओ। एक तरफ औरतें दावत दें अंदर आपस में एक दूसरों को, और एक तरफ मर्द मस्जिद की जमातें चल फिर कर मेहनत करेंगे तो मस्तूरात का काम तरक्की करेगा। साल भर में 2-5 चिल्ले की 10-12 जमातें अशरे की निकाल देने का नाम मस्तूरात का काम नहीं है। ये तो एक इब्तिदा है, ये भी रोजाना का काम, रोजाना की मेहनत है मस्तूरात। हम उन मोहल्लों से रोजाना गुजर रहे हैं, वो औरतें 10 साल पहले भी दरवाजे पर बैठी थी जहां मुलाकातों में जाते थे, आज 10 साल के बाद उनकी बच्चियां दरवाजे पर आ गई। हमारी मेहनत कहां है? हमारी तो मेहनत थी कि जो बूढ़ी बाहर थी वो भी घर में चली जाए और घरों में 100% आमाल जिंदा हो जाए। लेकिन हम खुद ही सोचें, आप खुद इसका मुहासबा करें कि अपनी मस्जिदवार जमात में मस्तूरात के काम से मुतालिक पॉइंट हफ्ते में कितनी मरतबा आता है, हम सोचते कितनी मरतबा है। जिस चीज को सोचा ही नहीं जा रहा है उस चीज पर मेहनत कितनी हो। वो तो जिले वालों ने तकादा दिया कोई चिल्ले की जमात बनानी अशरे की, तो हम 2-3 दिन मेहनत में लगे, जमात घर कर रवाना हो गए, रवानगी कर दी, वापस आ गए, वापसी कर ली, काम पूरा हो गया। यह हमारा काम पूरा नहीं होता। मस्तूरात का मकामी काम है हर घर में फजाइल की तालीम जिंदा हो, और हर मोहल्ले में मस्तूरात का इज्तिमाई तालीम का हफ्तावारी हल्का कायम हो, और मोहल्ले की 100% बहनें उस हल्के में जाकर वहां से तरगीब लेकर मोहल्ले के 100% घरों में फजाइल की तालीम शुरू हो, 100% घरों में नमाज जिक्र तिलावत इबादत और हया का माहौल बने, और औरतें खुद अपने बच्चों की दीनी तरबियत और दीनी मिजाज बनाने के बारे में फिक्रमंद हो, इसकी कोशिश करना ये हमारे जिम्मे है। इसलिए हजरात से गुजारिश है कि सब तय करो इंशाल्लाह कि इन सारे कामों को खुद अपनी दाद से पाबंदी से करेंगे। करोगे इंशाल्लाह, कौन कौन करेंगे, अल्लाह सबके लिए आसान। अच्छा, इसमें से अभी बताया कि किसके किसके घर में पाबंदी से रोजाना महीने में 30 दिन नहीं तो 28 दिन 27 दिन तालीम होती है, ऐसे कितने घर है जरा बताओ माशाल्लाह। और जरा ऊपर रखना, जरा अंदाजा हो कितना मजमे का 20% नहीं, 20% जो हो रहा है अल्लाह बहुत मुबारक फरमा, बहुत कबूल फरमा और इस्तेखामत दे। इसके फायदे आप खुद महसूस करते होंगे जो कर रहे हैं, जिनके नहीं हो रही हो तय करो इंशाल्लाह करेंगे। हर हाल में किसी भी तरह अपने घर वालों को वक्त देंगे, होटल का वक्त खत्म कर देंगे, दुकान पर चौराहे पर चौपालों पर जहां बैठते हैं सब बंद कर देंगे, और वो वक्त कहाँ लगाएंगे, 2.5 घंटे और उसके अलावा दीगर मस्जिद के तकादों में, और शाम के वक्त या सुबह के वक्त जिसमें काबू में आ जा रहे अपने घरों में लगा, अपने घर की मुआशरत को जो है किसी और पटरी पर न चढ़ने दे। हाँ, और उसकी बड़ी बुनियाद है अपने घरों में सोने जागने का वक्त, सोने जागने का वक्त। अगर रात में देर तक जागने का माहौल बना दिया हम अपने मुआशरे को काबू नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जितना सारा फसाद ज्यादातर होता है वो उसी वक्त में होता है। अगर हमने घर में माहौल बनाकर बच्चों बच्चियों बहुओं को रात में जल्दी सोने का आदि कर दिया तो समझो कि 50 नहीं
75% फितनों से हमने इनको महफूज कर दिया। हुजूर ने फरमाया ला समरत बाद इशा, इशा के बाद हुजूर किस्सा कोई ना। अभी उमूमन पहले चंद इलाके ऐसे थे जहाँ शहरों में लोग रात में ज्यादा जागते थे, लेकिन अब जब से ये पहले वो शहरों में भी वजह टीवी थी, टेलीविजन घरों में बैठकर 10 बजे तक वो टीवी देखते थे, 11 बजे सोते थे, 12 बजे सोते। अभी ये मोबाइल इसका जरिया बन गया, रात देर तक लोग घरों में जाते रहते। तो ये बहुत बुरी वबा है। तालीम का अपना वक्त तय करें, रात के मामला, रात की जो पढ़ने की सूरतें हैं और वबीन हैं, बच्चे मकतब जाते हैं तो उनको पढ़ने बिठावे करें, आधा घंटा पढ़ने गए तो मामला पूरे करें, वह जवान बच्चियाँ हैं मामला पूरे करें, वह महसूस हो गए जल्दी आराम करा। लेकिन उनको करवाने के लिए सबसे पहले बोलने लगे हमको इसकी पाबंदी करनी पड़ेगी। अभी हम लोग पड़ोस में थे, एक बड़े बहुत बड़े ताजिर हैं, उनके कारखानों में 5,000 आदमी काम कर रहे हैं, 5,000 मान इब्राहिम साहब से मिलना है। उन बातें करके उन्होंने कहा कि बताओ मैं अली साहब को मिलने गए थे गुरुवार साहब, तो अली साहब ने कहा कि तू निकम माए कुछ करता नहीं, उनका नाम इम्तियाज, तू निकम माए कुछ करता नहीं। बोले अली साहब आप फरमाइए क्या करो, तो कहा कि इतना बड़ा कारखाना चला था तेरे सारे मजदूर बेनमाजी, कोशिश करने के सब नमाजी बन गए। बोले आई साहब दुआ करना, मैं कोशिश करूँ। बोले मैं गया और जाकर मैंने तदबीर सोची क्या करूँ, मशवरा किया, तो ये राय बनी कि भाई ऐसा करो कि तुम्हारे जो मजदूर हैं 5,000 उनकी 12-12 की जमा करा। तो बोले हमने 400 जमा कर सकता और उसमें हर जमा पर एक आदमी को अमीर बनाया, तो उनके काम के अतबार से वही तरतीब रखी और उनके दीन के अतबार से भी अमीर को जिम्मेदारी दी कि रोज़ाना उनके काम की कारगुजारी के साथ साथ 5 वक्त की नमाज की कारगुजारी खुश ली। बोले धीरे 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 माहौल बनते हुए कुछ महीनों में 100% नमाजी हो। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि फजर ईशा में तो घर में होते होंगे, कैसे पता चलता है कोई? बोले फजर ईशा के लिए हमने तरतीब देकर रोज़ाना सुबह जब काम पर लगेंगे वो तो उनका जो अमीर है वो पूछेगा वे क्या फजर ईशा का डांट डपटती कार गुजारे। बोले धीरे 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 काबू में आ गया और 100% 5 वक्त की नमाजी हो गई। बोले फिर मैं अजहब के पास आया, उन्होंने भाई साहब सब नमाजी हो गए। बोले ये कोशिश करो कि तुम्हारे जितने मजदूर हैं सब सच बोलना शुरू करें, कोई झूठ ना बोले। बहुत भारी काम था, मुश्किल काम तो बोले तो मेरे लिए भी मुश्किल था, इतना बड़ा था मजदूरों को टैगल करने का और पता नहीं कितने व्यापारियों को माल सप्लाई करने का, तो अमूमन आदमी से लफ्जिश हो ही जाती है, अमूमन होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अली साहब ने कहा मैंने नियत कर ली और बाहर निकल कर मैंने पहली नियत मैंने की कि आज से मैं तय करता हूँ कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। उसने देखे और फिर मैंने अपने 400 अमीरों को जमा किया, तो 5,000 रुपये बताइए थे उनको और उनसे बात की, पहले साहब ने कहा और मैंने नियत कर ली और उनको कहा कि तुम सब नियत करो कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा। और उनको मैंने ये कह दिया भाई देखो कुछ नुकसान हो जाए कभी तो जो हुआ है वो बताना है, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं काटूंगा, लेकिन झूठ मत बोलिए। तो फिर उन्होंने अपने आदमियों से कहा, 400 जमा कर दी थी उनकी, वो बोले अभी हमारी पूरी कोशिश है, बोले मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे स्टाफ में भी कोई आदमी झूठ अब नहीं बोलता। बोले सबसे पहले मैंने नियत, जैसे आप लोग तय करो कि आप नियत कर लो कि इंशाल्लाह अगर कोई दीनी तकाजा है, भाई गश का दिन है तो गश के दिन बात, लेकिन वो भी कितना होता है, आधा घंटा होता है, पौना घंटा होता है, अब तो और इज्तिमा है तो वहीं आराम करना है, बाकी दिनों में जो है तय करो कि इंशाल्लाह रात में जल्दी आराम करेंगे और सुबह फजर के बाद बिल्कुल फ्रेश तैयार होकर नमाज में जाएंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, मशवरा करेंगे, अपने मामूलात पूरे करेंगे और सुबह सुबह अपनी मुलाकातों की जमातें बनाकर मुलाकात।